वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और सब क्या हो रहा है आजकल? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इजी सी रेसिपी, तो उसको करते हैं स्टार्ट। ये है कोकोनट बॉल्स की रेसिपी। 1 कप मैंने लिया है कोकोनट और 3 कंडेंस मिल्क के टिन स्मॉल, और 1 कलर लिया है रेड या येलो, और ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तीनों टिन्स ओपन कर लिए और बारी बारी करके मैंने एक एक टिन्स इसमें डाल दिया है कोकोनट फ्लेक्स में। आप देख सकते हैं वन बाय वन मैंने छोटे छोटे टिन्स डाले हैं। अगर आपके पास एक बड़ा टिन है तो आप एक बड़ा टिन ही यूज़ कर लें। मेरे पास छोटे थे तो मैंने छोटे यूज़ किए हैं। ये लास्ट थर्ड वन जो था वो मैंने ऐड कर लिया है अच्छे से, और इसके बाद इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद फिर मैंने डाला इसमें कलर रेड। कलरफुल बनाने के लिए आप येलो भी डाल सकते हैं, रेड भी डाल सकते हैं। अगर कोई और भी ना डाल, मतलब वाइट रखना चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं, कोई और कलर भी नहीं डाल सकते, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया, लेकिन ये अच्छा नहीं मिक्स हो रहा था, सो मैंने अपने हैंड्स का यूज़ किया है। मैंने हैंड्स का यूज़ किया, देख सकते हैं आप मैंने किस तरह कलरफुल पिंक पिंक प्यारा सा कलर आ चुका है इसमें। और मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो इस वजह से मैंने फोर्थ क्वीन टिन भी डाल दिया है इसमें, क्योंकि मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने फोर्थ टिन भी लेके इसमें डाल दिया है। आप अगर एक फुल डालेंगी तो उसमें मसला नहीं होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाएगा। देखें आप कैसे प्यारा सा और फाइन सा पेस्ट बन गया है, सॉफ्ट सा और स्मूथ सा। और मैंने एक प्लेट में पेपर कप स्मॉल साइज़ के लिए, आप पेपर कप्स आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, नो इशू। मेरे पास थे तो मैंने जो है वो पेपर कप्स ले लिए हैं। पेपर कप्स सेट करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए इस साइज़ में। आप इससे बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। एक्चुअली मेरे से मैं एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं बॉल्स बना रही थी, सो इसी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही थी मुझे। देख सकते हैं आप हमारे बॉल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, कितने प्यारे और कलरफुल। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।